जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, हम किस प्रकार अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे किया जाता है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का सेवा किया जाता है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, उसके बाद ही आपको भगवान श्री कृष्ण के यानी कि लड्डू गोपाल की सेवा करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास बड़े लड्डू गोपाल और एक छोटी लड्डू गोपाल है, ठीक है। तो इन दोनों की सेवा हम किस प्रकार से करते हैं, इनको स्नान कराना, इनको जो है इनका श्रृंगार करना, इनका पूजा करना, किस प्रकार से हम लोग करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के इस बाल रूप की सेवा करने से आपके मन को जो शांति मिलती है, जो कहते हैं जिसे हम लोग एक आनंद जो होता है जीवन में, वो उसका आभास आपको होता है। जीवन में जो है आनंद की आपको अनुभूति होती है लड्डू गोपाल की सेवा करने से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, अपने घर पर रहकर, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। देखते रहिए आगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने अपने छोटे लड्डू गोपाल और बड़े लड्डू गोपाल को अभी अभी जो है सो रहे थे ये, तो हमने जगा दिया है। तो आपको क्या करना है कि जगाने के कुछ देर बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको स्नान कराना है। तो स्नान कराने के लिए आपके पास जो है कुछ सामग्री जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक कोई भी थाली ले लेना है। आपके पास अगर तांबा का हो, कांसा का हो, या फिर सोने का हो तो आप ले सकते हैं, या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं। उसके बाद एक जो है उसमें पात्र ले लेना है, उसमें जल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, कुछ फूल ले लेंगे हम लोग। आपके पास जितने भी प्रकार के फूल हैं, उन सभी प्रकार के फूलों को आपको ले लेना है, ठीक है, ताकि हम लोग पूजा करने जब शुरू करें तो सारी सामग्री जो है वो हमारे पास एकत्रित हो, और सभी सामग्रियों को एकत्रित करके बैठना ही चाहिए। तो ये हमने फूल ले लिया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो है तुलसी के पत्ते ले लिया। हम आपको बता दें कि जब बालकृष्ण की आप सेवा करते हैं तो तुलसी का पत्ता इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तुलसी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक थाली ले लेना है, और थाली में क्या करना है, इस प्रकार का स्टार बनाना है, बीच में ओम लिखना है, और बाकी साइड में आपको नारायणाय नमः लिखना है, ठीक है। नारायणाय नमः लिखने के बाद हर एक खाने में आपको स्टार देना है। आप जैसे कि देख पा रहे हो ओम दिख रहा है, लेकिन नारायणाय नमः जो हमने लिखा है वो नहीं दिख रहा है। तो दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपको नारायणाय नमः लिखना है, और बीच में ओम लिख करके हर एक खाना में जो है तुलसी का पत्ता देना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से लड्डू गोपाल को अब स्नान कराना हम लोग प्रारंभ करेंगे। जब आप स्नान कराते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे जो है कोई कपड़ा धारण करवा दें, उसके बाद आप लोग स्नान कराएं। कुछ लोग जो है पूरा कपड़ा उतार करके इनको स्नान करवाते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। हाँ, वो अगर छोटा लड्डू गोपाल है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन जब बड़े लड्डू गोपाल को आप स्नान करवाते हैं तो उसी तरह से इनको करना चाहिए कि आप इन्हें कोई कपड़ा पहना दें और फिर इनको स्नान कराएं, ठीक है। और स्नान कराते समय आपको जो है नारायणाय नमः नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते जाना है, ठीक है। नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। तो इस प्रकार से आपको जल जो है ये करते जाना है, और नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते जाना है, और हर एक अंग को जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के हर एक अंग को भिगोना है आपको। जिस प्रकार आप एक माँ जो है अपने बच्चे को नहलाती है, ठीक उसी प्रकार जो है हम लोग बाल कृष्ण को यानी कि लड्डू गोपाल को नहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इनको स्नान कराना है, ठीक है। और इस तरह से जो है आपको उनको जो है जैसे कि एक माँ बच्चे को साफ करती है तो इसी प्रकार से वो जो है नहलाती है, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग इनको नहलाएंगे, बिल्कुल प्यार भाव से,
जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि हम उनकी माता हैं और वो जो है मेरा एक बच्चा है, इसी वजह इस जो है इस तरह से हम लोग इनके भाव में डूबकर इनको इनकी सेवा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को करना है और नारायणाय मंत्र का, नारायणाय नमः मंत्र का जाप आपको लगातार करते जाना है। नारायणाय नमः, 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 नारायणाय नमः। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल को हमने जो है स्नान करा दिया है। अब जैसे ही स्नान करा हुआ हो जाएगा उसके बाद अब आपको एक किसी भी कपड़ा से क्या करना है, इनको पोंछना है, ठीक है। हर एक भाग को हम लोग इनका पोंछेंगे और पोंछने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका फिर हम लोग श्रृंगार करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपको, ठीक है, ठीक से आपको पोंछ लेना है और पोंछने के बाद फिर हम लोग आगे श्रृंगार किस तरह से करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो उस प्रकार देखिए हमने जो है लड्डू गोपाल को नहला दिया है। नहलाने के बाद अब हम इनको कपड़ा धारण करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो इस प्रकार से हम लोग जो है बिल्कुल भाव में भगवान के प्रेम में डूब कर, ऐसा मान के चलिए कि हम बिल्कुल लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की सेवा कर रहे हैं, हम जो है इनकी यशोदा मैया हैं और इसी भाव से हम लोग इनकी जो है सेवा करते रहें। तो देखिए अब जो है हम लोग इनका श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले जो है लड्डू गोपाल का ड्रेस हम उनको पहनाएंगे और जो तमाम श्रृंगार है, जिस प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं वो श्रृंगार हमको जो है इनको करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम इनको सबसे पहले जो है पोशाक पहनाएंगे। पोशाक पहनाते वक्त जो है आपको उनको पूछना है कि कौन सा पहनेंगे और आपके दिल में जो अच्छा लगे वो आपको उनको जो है पहना देना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार जो है हम इनको पोशाक सबसे पहले पहनाएंगे। पोशाक पहनाते भी जो है आप नारायणा या फिर राधा राधा जो है जप सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इनको पोशाक पहनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर सा श्रृंगार हम लोग करेंगे और सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद इनका श्रृंगार हम इनसे पूछेंगे कि देखो लड्डू गोपाल आपका श्रृंगार कैसा है, क्या आपको अच्छा लगा, कैसा लगा आपको आपका श्रृंगार, है ना। तो देखिए इस प्रकार हमने जो है इनको पोशाक पहना दिया। अब हम जो है इनके घुंघराले जो बाल होते हैं वो हम इनको पहनाएंगे। लड्डू गोपाल के ड्रेस जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है रोज़ बदलना हो। अगर आपकी फैमिली कंडीशन ख़राब है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है डेली बदलो, अगर नहीं भी है तो आप उसी को जो है डेली पहना सकते हैं, लेकिन आप उनकी पवित्रता का ध्यान रखेंगे। अगर वो गंदा हो जाए तो उनको धो देना है, ठीक है। स्वच्छता का आपको ख्याल रखना है। ऐसे कोई बात नहीं है कि आपको जो है 3-4 ड्रेसेस होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए इस प्रकार मेरा जो लड्डू गोपाल है मैंने इनको पोशाक पहना दिया है, ये बड़े लड्डू गोपाल है मेरे। अब हम क्या करेंगे, छोटे लड्डू गोपाल को भी पोशाक पहनाएंगे, ठीक है। तो चलिए लड्डू गोपाल को अब हम लोग जो है सबसे पहले तो घुंघराले बाल उनको पहनाते हैं। और घुंघराले बाल पहनाते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि उनके माथे पे जो है तुलसी का पत्ता ज़रूर देना है। हम आपको बता दें कि जो तुलसी महारानी होती है, भगवान लड्डू गोपाल के माथे में जो है तुलसी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। माथे में हो या फिर उनके लड्डू में हो, तुलसी उनको देना बहुत ही कंपलसरी होता है। तुलसी हो, उनके लिए मिष्ठान हो, शक्कर हो, कोई भी मीठा चीज़ जो है उनके लिए आवश्यक होता है। तो देखिए इस प्रकार तुलसी का पत्ता रखेंगे उनके माथे पर और फिर हम लोग उनको जो है ये घुंघराले बाल इस तरह से हम लोग अच्छा से उनको सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये रहा लड्डू गोपाल जो है हमारा, घुंघराले बाल उनको हमने पहना दिया है। अब घुंघराले बाल पहनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उनका जो मुकुट है वो हम उनको पहनाएंगे, ठीक है। तो चलिए उनका मुकुट हम उनको पहनाते हैं, उससे पहले उनको एक माला हम लोग पहनाएंगे। तो चलिए उनको सबसे पहले हम लोग एक माला जो है पहना देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इनको एक माला पहनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो है छोटे लड्डू गोपाल को माला पहना दिया है।
अब माला पहनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटे लड्डू गोपाल को मुकुट पहनाएंगे, है ना। हम आपको बता दें कि कैमरा में लड्डू गोपाल आपको उल्टा दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो लड्डू होता है हाथ में जो लिया हुआ, ये इधर होता है लेकिन ये इधर हो गया है, ठीक है। मेरा मोबाइल का कैमरा ही वैसा है कि अगर आप इसके बैक कैमरा से लेते हैं तो इनका जो है लुक उल्टा ही आता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, बड़े लड्डू गोपाल को जो है के माथे पे भी हमने तुलसी रख दिया है, और तुलसी रखने के बाद हम इनको भी जो है बाल पहनाएंगे। बाल पहनाने के बाद फिर हम इनको मुकुट पहनाएंगे, बिल्कुल बड़े भाव से हर एक इनका जो है श्रृंगार करना है, ऐसा जैसे कि एक जो है मान के चले कि यशोदा माँ ही अपने लड्डू गोपाल यानी कि लल्ला की जो है श्रृंगार कर रही है। तो देखिए इस प्रकार हम लोग करेंगे बिल्कुल प्रेम भाव से, राधे राधे जपते जपते, उनके प्रेम भाव में डूबे डूबे जो है हम लोग इनकी सेवा करेंगे। बहुत सच में बहुत आनंद मिलता है, जैसे मानव की लाइफ में जो सही में जो मायने में होता है जो आनंद, वो आनंद की अनुभूति हम लोगों को होती है, ठीक है। इस प्रकार हमने जो है लड्डू गोपाल को देखिए हमने सहलाया है, बड़े प्यार से सहलाना है, और सहलाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लड्डू गोपाल को मुकुट धारण करवाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है इनको मुकुट धारण करवाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने जो है लड्डू गोपाल को बड़े अच्छे से लड्डू गोपाल को जो है मुकुट धारण करवा देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा लड्डू गोपाल हो, अगर आपके पास छोटा लड्डू गोपाल भी है तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, सिर्फ भाव जरूरी है, ठीक है। मूर्ति बड़ा हो ये ज़रूरी नहीं है, भाव होना चाहिए आपके मन में, आपके अंदर जो है इनके प्रति प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। इस प्रकार देखिए हमने बड़े लड्डू गोपाल को भी जो है मुकुट धारण करवा दिया है। अब इनका जो है इनको जो है एक माला हम पहनाएंगे, माला पहनाना हम भूल गए बड़े लड्डू गोपाल को, तो चलिए उनका माला जो है हम उनको पहनाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो है माला है लड्डू गोपाल के लिए, तो ये उनको हम बड़े प्यार से पहना देंगे, और पहनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका श्रृंगार जो है किया हुआ जो हमने किया है, इनसे हम पूछेंगे कि देखो लड्डू गोपाल मैंने श्रृंगार किया है, आपको कैसा लगा मेरा श्रृंगार, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको मिरर दिखाना है, यानी कि आपको इनको आईना दिखाना है। जिस प्रकार हम लोग कहीं पर भी जाते हैं मेकअप वगैरह करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आईना में अपने सबसे पहले क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, श्रृंगार करने के बाद आपको लड्डू गोपाल को जो है क्या करना है, आईना दिखाना है, उनको भी आपको मिरर दिखाना है। तो चलिए हम लोग इनको मिरर दिखाएंगे, और मिरर दिखा के हमसे पूछेंगे कि देखो लड्डू गोपाल तेरा श्रृंगार कैसा लगा, कैसा लगा मेरा श्रृंगार, क्या आपको पसंद आया। चारों तरफ से घुमा के आपको दिखवाना है इनका श्रृंगार, जैसे हम लोग देखते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग देखते हैं अपना श्रृंगार आईना में अपना चेहरा, ठीक उसी प्रकार हमको जो है अपने छोटे लड्डू गोपाल हो या फिर बड़े लड्डू गोपाल हो, उनको इसी तरह से बड़े प्रेम भाव से जो है उनको दिखाना है, उनसे पूछना है कि मेरा श्रृंगार आपको कैसा लगा। अब हम लोग एक फूलों की थाली बहुत ही बड़े प्यार से उनकी आरती करेंगे, ठीक है। किसी भी थाली में आपके पास जितने भी प्रकार के फूल हो उनको बड़े अच्छे से थाली में सजा करके जो है भगवान की आरती करना है, और नारायणाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूलों से इनकी आरती करना है, और प्रणाम करना है, कहना है कि हे प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, अगर कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार जो है फूलों से इनकी आरती करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें फूलों में जो है बैठाएंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग फूलों में बैठाएंगे, इनका स्वागत हम लोग करेंगे इस प्रकार से, और करने के बाद अब हम लोग इनकी जो है दीपक से आरती करेंगे, ठीक है। तो चलिए दीपक से जो है इनकी आरती करते हैं। आप इनकी आरती भी गा सकते हैं, मोबाइल में आरती चला करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है मोबाइल से भी इनकी आरती सुन सकते हैं, जब आप इनकी आरती करें तो आप उसे जो है बगल में मोबाइल को चला करके आप इनकी आरती करेंगे,
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी आरती करते हैं, फिर हम लोग छोटे लड्डू गोपाल की भी आरती करते हैं। तो ये देखिए हमने दीपक ले लिया है और ये इस प्रकार से हमने जो है आरती करना शुरू किया है। हम आपको बता दें कि कैमरा में उल्टा दिख रहा है, ठीक है, तो कैमरा का ये गलती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनकी आरती करेंगे और आरती करने के बाद फिर हम लोग छोटे लड्डू गोपाल की भी आरती करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़े प्यार से उनकी आरती करने के बाद अब हमने छोटे लड्डू गोपाल को भी फूलों की सेज में बैठा दिया है और फूलों की सेज में बैठाने के बाद अब उनकी भी आरती करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब इनकी भी आरती करते हैं बड़े प्यार से, राधा राधा जपते जपते इनकी आरती गाते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार के जो है भजन के माध्यम से, इस प्रकार के हरिनाम कीर्तन के माध्यम से हम लोग आरती करेंगे बड़े प्यार से, भाव से। किसी भी प्रकार का मंत्र अगर आपको याद हो तो आप जपते जाएं और प्रभु की जो है आरती करते जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग छोटे लड्डू गोपाल की भी हम लोगों ने आरती कर ली है, ठीक है। अगर आपको चालीसा याद हो तो आरती करने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण की चालीसा या फिर लड्डू गोपाल चालीसा आप पढ़ सकते हैं। उनकी चालीसा पढ़ने के बाद आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का, या फिर आप जो है ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार के मंत्र का जाप आपको जितना माला हो सके, ठीक है, आपकी क्षमता जितनी माला जपने की हो, आपके पास जितना टाइम हो आप उतना माला जो है इनका जाप करें। और जाप करने के बाद आप आरती करने से पहले, ठीक है, आप या फिर आरती करने के बाद जो है शंख बजाएं, शंख बजाने से पहले आप भगवान श्री विष्णु का श्री चित्र जो है अपने मन में बैठा लें। बैठाने के बाद आप तीन बार शंख बजाएं, शंख बजाने के बाद इनकी भव्य आरती करके जो है इनको अब अपने हाथों से हम लोग जो है, और जब हम लोग आरती वगैरह करेंगे चालीसा वगैरह करेंगे तो इनके बगल में जो है इनको हम लोग प्रसाद अर्पण करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी फल का प्रसाद हो या फिर जो है दूध हो, ठीक है, या फिर आपके पास किसी प्रकार का कोई मिष्ठान वगैरह है, मीठा है, तो आप वो भी जो है इनको अर्पण कर सकते हैं। और अर्पण करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, उनको भोग भी लगाना है अपने हाथों से। एक तो हमने भोग लगाने के लिए ऐसे दे दिया कि लला लो इनको भोग लगाओ, फिर उससे क्या करेंगे, अपने बिल्कुल अपने छोटे से बच्चे के जैसे हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो कि यशोदा माँ जो है अपने छोटे बच्चे को, अपने लल्ला को क्या कर रही है, भोजन करवा रही है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, जो पूजा में हमने उनको भोग लगाने के लिए जो प्रसाद के रूप में दिए थे, अब उनको हम अपने हाथों से जो है खिलाएंगे। और हर एक प्रसाद जब लेते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता होना बहुत ज़रूरी होता है, आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें। और उनके हाथों में जो लड्डू होता है उस लड्डू में भी उनको तुलसी जो है अर्पण करना है, उनको तुलसी देना है। तो यहाँ पर हमने जो है जिस प्रकार जो है दूध लिया है और यहाँ पर हमने शक्कर लिया है, शक्कर नहीं था तो हमने चीनी ले ली है, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको क्या करेंगे, अपने हाथों से जो है इनको भोग लगाएंगे। सबसे पहले इनको हम जो है दूध का भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इनको शक्कर का भोग लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही प्रेम भाव से इनको जो है भोग लगाना है। भोग लगाते आपको कहना है कि हे लड्डू गोपाल, भोग स्वीकार कीजिए और मेरी सेवा में अगर किसी भी प्रकार की भूल हो तो मुझे क्षमा करें, और मेरा जो है मुझसे जो हो रहा है वही मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप उसे ग्रहण करें और आप अपने इस दास को जो है ये मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम लोग परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है लड्डू गोपाल को क्या करना है, दूध का भोग लगाना है। अब भोग लगाने के बाद हम इनको क्या करेंगे, जो मीठा हमने चीनी लिया हुआ है उनका हम लोग इनको भोग लगाएंगे बड़े प्यार से। हमने यहाँ पर जो है स्पीड मोशन में चलाया हुआ है। हम आपको बता दें कि बिल्कुल जैसे कि अगर आप जैसे कि एक छोटे बच्चे को कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो कितना टाइम में खा लेता है, तो उसी तरह से जो है इनको उतना समय तक इनके मुंह में सटा कर रखना है,
एक भाव से नहीं, जैसे कि वो खा रहा, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर हम उसे वापस ले आएंगे, ठीक है। इस प्रकार उसके बाद तुलसी जो है इनको देना है, तुलसी इनको देना है। उसके बाद इस प्रकार से हमने जो है इनको क्या किया, भोग लगा दिया है। तो इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल की सेवा की है। अब इनका जो है क्या करना है, इनका मुंह इनको धो देना है। तो चलिए हम लोग जल से इनका मुंह धो देंगे। धोने के बाद फिर से हम इनको एक अच्छे से रुमाल से या फिर किसी भी स्वच्छ कपड़ा से, साफ़ सुथरा कपड़ा से हम इनका मुंह पोंछ देंगे, है ना। बिल्कुल जैसे हम लोग खाते हैं, खाने के बाद अपना मुंह धोते हैं, धोने के बाद फिर उसे कपड़ा से पोंछ लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल को जो है करने के बाद, भोजन करवाने के बाद उनका मुंह धोएंगे। धोने के बाद फिर एक अच्छे साफ़ सुथरा कपड़ा से उनको हम पोंछ लेंगे बड़े प्यार से। तो इस प्रकार हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो इस कुछ इस प्रकार जो है हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने सेवा किया अपने भाव से, बड़े प्यार से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।